गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ विजय गुप्ता एंड यू आर वाचिंग बायोलॉजी क्लासेस। तो बायोलॉजी की क्लास में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम। जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त हम बात कर रहे हैं हमारे एक नए टॉपिक की, दैट इज़ द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, मानव का कंकाल तंत्र। इस टॉपिक के अंतर्गत मैंने आपको पहले वीडियो में कई सारी बोन्स, हमारी बॉडी में टोटल 206 बोन्स हैं, उनके बारे में एक इंट्रोडक्शन दिया। उसके बाद जो हमारा सेकेंड लेक्चर था उसमें मैंने आपको स्कल के बारे में बताया डिटेल में, स्कल की और फेशियल अलग अलग बोन्स के। आज इस थर्ड लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं हमारी वर्टेब्रल कॉलम की। वर्टेब्रल कॉलम, जैसे हिंदी में हम लोग रीढ़ की हड्डी, मेरुरज्जु, कशेरुक दंड भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसको हम लोग बैक बोन बोलते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी का बैक यानी पीठ वाला हिस्सा बनाती है। तो अगर हम इस डायग्राम में देखें, जो कि आपका मेन डायग्राम है, तो आप देख रहे हैं हेड से जुड़ी हुई है ये वर्टेब्रल कॉलम, यहाँ तक दिखाई दे रही है, उसके बाद पीछे से फिर आपको यहाँ तक ही दिखाई दे रही है। तो ये वर्टेब्रल कॉलम है, और ये जो वर्टेब्रल कॉलम है इसकी डिटेल्ड स्ट्रक्चर आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात ये कि ये जो हमारी वर्टेब्रल कॉलम होती है ये कहाँ पर सिचुएटेड है। तो आपको बता दूँ कि इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, हेड के ठीक नीचे से ये स्टार्ट होती है, और ये एक स्ट्रक्चर है जो हल्की सी एस शेप में होती है, और पूरी लेंथ इसकी यहाँ तक फैली होती है, हमारी बॉडी के यहाँ पर एंड पार्ट तक, ठीक है। तो ये तो वर्टेब्रल कॉलम की पोजिशन हो गई। इसके बाद जानते हैं कि ये जो वर्टेब्रल कॉलम होती है ये कैसे बनी होती है। तो आपको बता दूँ कि वर्टेब्रल कॉलम में टोटल 26 बोन होती हैं, 26 बोन्स होती हैं, और इन बोन्स में आपको बता दूं कि इन्हें हम लोग वर्टिब्रीज के नाम से जानते हैं, वर्टिब्री, कशेरुकाएं हिंदी में आप कह सकते हो। तो वैसे अगर देखा जाए तो टोटल वर्टिब्रीज की संख्या बच्चों में 33 होती है, लेकिन जब हम एडल्ट हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो ये कुछ वर्टिब्रीज इसमें से क्या होती है, फ्यूज हो जाती हैं, और इनकी संख्या बचती है 26। तो अगर हम बोन्स की बात करें तो 26 हैं, बट वर्टिब्रीज की बात करें तो टोटल 33 वर्टिब्रीज होती हैं। ये जो भी कन्फ्यूज़न है मैं आपका भी बिल्कुल दूर कर दूंगा, कई लोगों को इसमें कन्फ्यूज़न होता है, तो मैं बिल्कुल क्लियरली हर एक बात आपको अलग अलग बता दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आप देख पा रहे हो, डायग्राम बना हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है 33 वर्टिब्रीज, और बोन्स की बात करें तो 26 बोन्स। अब ये क्या फंडा है, आइए समझते हैं इसको। सबसे पहले ये जो वर्टिब्रीज पाई जाती हैं ये हमारे नेक रीजन से स्टार्ट हो जाती हैं। तो आपको बता दूं कि जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर अलग अलग कलर से मैंने बनाया हुआ है, ताकि आप समझ जाओ कि किस रीजन में कितनी वर्टिब्रीज पाई जाती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हमारे नेक रीजन की, तो ये ग्रीन कलर से यहाँ पर बनी हुई हैं नेक रीजन की वर्टिब्रीज। इनकी संख्या होती है टोटल 7, और इनको हम कहते हैं सर्विकल वर्टिब्रीज, क्योंकि ये हमारे नेक वाला पोर्शन बना रही हैं। तो नेक वाले पोर्शन पर पाई जाने वाले वर्टिब्रीज का नाम क्या होता है, सर्विकल वर्टिब्रीज। यहाँ पर भी आप देख सकते हो मैंने लिखा हुआ है सर्विकल वर्टिब्रीज। तो दीज आर द सर्विकल वर्टिब्रीज, और इनकी जो संख्या होती है वो क्या होती है, टोटल 7 होती है। अगली बात, इनमें नाम भी दिए गए हैं, जैसे पहली वाली को C1, C2, C3, C4, C5, C6 एंड C7। तो टोटल सर्विकल वर्टिब्रीज कितनी हो गई, 7 हो गई, और उन्हें हमने C1 से लेकर C7 तक का नाम दिया, C मतलब सर्विकल, ओके। एक और ज़रूरी बात, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एक कर्व जैसा आपको दिख रहा है, कर्व का मतलब इस तरीके से वक्र जैसा बना हुआ है, इस कर्व को हम लोग कहते हैं सर्विकल कर्वेचर। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है ये सर्विकल कर्वेचर का, ऐसे एक कर्व आपको यहाँ दिख रहा है, फिर एक कर्व आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो इन सभी के कर्व्स के भी नाम होते हैं, जहाँ जहाँ पर ये मुड़ी हुई शेप है, तो इस तरीके से ये एस जैसा हल्का सा बना रही है, तो एस शेप्ड कहलाती है। इसमें कर्व होते हैं और कर्व के अलग अलग नाम हैं। तो पहला कर्व मैंने आपको बताया, जो ये कर्व आप देख रहे हो, इसको हम क्या बोलते हैं, सर्विकल कर्वेचर, क्योंकि ये सर्विकल वाले पार्ट पर पाया जा रहा है। एक और ज़रूरी बात है कि हमारी जो सर्विकल वर्टिब्रीज होती हैं उनमें सबसे पहली वर्टिब्री का नाम होता है एटलस। आप ये बिल्कुल याद कर लें, क्योंकि ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। एटलस वर्टिब्री हमारी फर्स्ट वर्टिब्री है, और उसी के ठीक नीचे जो दूसरी वर्टिब्री होती है उसको कहते हैं एक्सिस। तो ये शुरू की दो वर्टिब्रीज के नाम दिए गए हैं, दोनों नाम आप याद कर लो, पहली वर्टिब्री एटलस है और दूसरी एक्सिस है। एक और बात, हमारा जो ये हेड है, स्कल है, वो एटलस पर ही जुड़ा होता है, मतलब हमारी जो फर्स्ट सर्विकल वर्टिब्री होगी यहाँ पर एटलस, उसी के साथ में हमारा स्कल जो है वो जुड़ा होगा, ओके। तो ये थी हमारी 7 सर्विकल वर्टिब्रीज। इसके बाद हमारी आती हैं ये जो मैंने पिंक कलर से यहाँ पर बनाई हैं, दीज आर 12 इन नंबर, और ये होती हैं हमारी थोरेसिक वर्टिब्रीज। थोरेसिक वर्टिब्रीज का मतलब ये हमारा थोरेक्स है, सीना है, इसका जो बैक पोर्शन बनेगा वो थोरेसिक वर्टिब्रीज से बनेगा। तो दीज आर द थोरेसिक वर्टिब्रीज, ठीक है। अब एक बहुत ज़रूरी बात इनके बारे में, कि यहाँ से जो रिब्स जाती हैं, जैसा कि आप देख सकते हो कि बीच में हमारे ये स्टर्नम होती है और ये रिब्स जाती हैं, और ये रिब्स पीछे जाकर किससे कनेक्ट होती हैं,
हमारी वर्टिब्रल कॉलम के इस वाले पार्ट से। हमारे पास टोटल रिब्स की संख्या कितनी होती है? 12। 12 इधर हैं, 12 इधर हैं, 12 पेयर रिब्स हो गई हमारे पास। तो 12 पेयर रिब्स हो गई यहाँ पर, और पीछे क्या है? वर्टिब्रल कॉलम है। वर्टिब्रल कॉलम में थोरेसिक में कितनी है? 12। यानी हर एक रिब जाकर पीछे एक एक वर्टिब्री से जाकर जुड़ जाएगी। तो इस बात को बहुत अच्छे से समझ लें कि हमारी जितनी भी रिब्स हैं वो पीछे जाकर किससे कनेक्ट होती हैं? हमारी वर्टिब्रल कॉलम के कौन से पार्ट से? थोरेसिक रीजन से। और थोरेसिक रीजन में क्या पाई जाती हैं? थोरेसिक वर्टिब्रीज पाई जाती हैं, और ये कितनी होती हैं? 12। तो दीज 12 वर्टिब्रीज आर नोन एज थोरेसिक वर्टिब्रीज, और ये होती हैं 12। ठीक है, अब इनके बारे में जानते हैं। पहली है T1, T2, T3, T4 और इस तरीके से पूरी सारी कहाँ तक आ गई? T12 तक आ गई। T मतलब थोरेसिक, तो दीज आर द थोरेसिक वर्टिब्रीज जो हमारा थोरेक्स बना रही है। ठीक है ना, और ये आगे से स्टर्नम से जो रिब्स जुड़ी होती हैं वो पीछे जाकर इनसे ही एक एक करके जुड़ जाती हैं। अब यहाँ पर जो आप ये कर्व देख रहे हो, ओके, इसको कहेंगे थोरेसिक कर्वेचर, क्योंकि ये उभरा हुआ सा हिस्सा कर्व, जैसे यहाँ पर सर्विकल कर्वेचर था वैसे ये क्या है? थोरेसिक। इस बार इधर की तरफ कर्व बनेगा, उसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो ये हो गया हमारा थोरेसिक रीजन। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पर, दैट इज द लंबर रीजन। लंबर रीजन में वर्टिब्रीज को आप देखें, 1, 2, 3, 4, 5 टोटल वर्टिब्रीज की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। आपको बता दूं कि जो लंबर होती है उसकी जो वर्टिब्रीज होती हैं वो सबसे बड़ी होती हैं। आप देख भी पा रहे होंगे, मैंने बड़ी बनाई हुई है स्काई ब्लू कलर से, और ये हमारे बॉडी को वेट, मतलब बॉडी का जो वेट है ऊपर का, वो रोकने का काम करती है। तो कहने का मतलब है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, और ये जो आप कर्व देख रहे हो यहाँ पर, इस कर्व का नाम क्या होगा? लंबर कर्वेचर। इसके अलावा लंबर वर्टिब्रेस की संख्या कितनी बताई गई? 5। सभी के अपने अपने नाम हैं, दैट इज L1, L2, L3, L4, L5। L रिप्रेजेंट लंबर, तो लंबर वर्टिब्रेस हो गई ये 5, और ये कर्व हो गया हमारा जो क्या कहलाएगा? लंबर कर्वेचर कहलाएगा। तो ये आपने समझ ली, सर्विकल 7, थोरेसिक 12, लंबर 5। इसके बाद हम आते हैं सैक्रम पर। अब आप ये देखो, ये वाला जो पार्ट है इसको हम सैक्रम कहते हैं, और ये हमारा हिप रीजन बनाता है। ठीक है, यहाँ पर देखो, तो ये हमारी पेल्विक गर्डल है, और उसके बीच में ये पाया जा रहा है ये वाला हिस्सा, ये क्या होता है? सैक्रम होता है। तो ये यहाँ पर सैक्रम इस तरीके से बना हुआ है, और सैक्रम हमारा हिप रीजन बनाता है। अब सैक्रम में जब हम एडल्ट हो जाते हैं तो हमारे पास कितनी बोन बचती है? 1। बट एक्चुअली बच्चों में कितनी होती हैं? टोटल 5 होती हैं। तो 5 वर्टिब्रीज फ्यूज होकर 1 बना लेती, तो मैंने लिखा है टोटल सैक्रम में वर्टिब्रीज की संख्या 5, लेकिन जब ये फ्यूज हो गई तो कितनी बची? 1 बची, तो ये हो गई 1। ओके, तो ये हो गया हमारा सैक्रल रीजन या सैक्रम। फिर सबसे लास्ट में आप देख रहे हैं छोटी सी वर्टिब्रीज में छोटे छोटे टुकड़े दिखाए गए हैं, इसको बोलते हैं कॉसिक्स। और कॉसिक्स में टोटल वर्टिब्रीज होती हैं 4, लेकिन जब ये फ्यूज हो जाती हैं तो वर्टिब्रीज कितनी बचती हैं? 1। तो यहाँ पर कितना हो गया? 1 हमने इसको अगर कैलकुलेट करें, और टोटल यहाँ वर्टिब्रीज कितनी है? 4 है। ओके, तो ये हमारी वर्टिब्रल कॉलम में बोन्स का डिवीज़न हुआ। अब इसमें अगर हम ये वाला टोटल करते हैं 7, 12, 5, 5, 4, तो कितना आएगा? 33। तो टोटल वर्टिब्रीज कितनी है? 33। लेकिन आपको पता है कि सैक्रम में 5 मिलकर 1 हो गई हैं, और कॉसिक्स में 4 मिलकर 1 हो गई हैं, तो यहाँ पर एक एक काउंट करेंगे तो कितनी आएगी? 26। एक्चुअल बात क्या है कि 33 वर्टिब्रीज हैं, 26 बोन्स हैं। अगर हम 206 टोटल हमारे पास जो 206 हड्डियां होती हैं उनमें इनको कैलकुलेट करते हैं, तो आपने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि हमने वहां पर 26 आपको बताया था कि टोटल बोन्स कितनी हैं? 26। यानी कि वर्टिब्रल कॉलम से हमें कितनी बोन्स कैलकुलेट करनी है? 26। बट एक्चुअली वर्टिब्रल कॉलम में कितनी वर्टिब्रीज हैं? वर्टिब्रीज होती हैं 33, और बच्चों में इन्हें अलग अलग देखा भी जा सकता है। बच्चों में कैलकुलेट करेंगे तो 33 बोन्स आपको वहाँ पर दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि बच्चों में बोन्स ज़्यादा होती हैं, ये आपको पता ही है। तो कुल मिलाकर 33 वर्टिब्रीज एंड 26 बोन्स। ये बात हो गई पूरी डिटेल में। एक बार नाम ये संख्या ज़रूर याद रखें आप, सर्विकल 7, थोरेसिक 12, लंबर 5, सैक्रम 1, और कॉसिक्स भी 1 आ जाएगी। टोटल 26 यहाँ पर बोन्स हो जाएंगी। इसके बाद यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, इनके नाम दे दिए, सर्विकल वर्टिब्रीज जो हमारा नेक रीजन बनाएंगी, फिर मैंने लिखा है थोरेसिक वर्टिब्रीज हमारा थोरेक्स बनाएंगी बैक से, फिर हमारा लंबर वर्टिब्रीज ये क्या बनाएंगी? लंबर वर्टिब्रीज बनाएंगी हमारी बेली वाला पोर्शन, और फिर सैक्रम क्या बनाएगा? हमारा हिप रीजन, और कॉसिक्स क्या बनाएगा? हमारी टेल वर्टिब्री। टेल वर्टिब्री हमारी बॉडी के अंदर वेस्टिजियल ऑर्गन यानी कि अवशेषी अंग के रूप में पाई जाती है। ऐसे ऑर्गन्स जिनका हमने इस्तेमाल करना बंद कर दिया उन्हें हम वेस्टिजियल ऑर्गन या अवशेषी अंग कहते हैं। इसके बारे में मैं इवोल्यूशन चैप्टर जब आपको पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा।
अभी के लिए जान लें कि हमारी बॉडी के अंदर ये फंक्शनलेस है बट प्रेजेंट होती है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। कॉसिक्स या टेल वर्टिब्री है, हिंदी में इसे पुच्छ कशेरुका कहते हैं, और ये यहाँ पर पाई जाती है। इसमें एक्चुअली 4 वर्टिब्रीज होती हैं, फ्यूज होकर एक रह जाती है। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी वर्टिब्रल कॉलम के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी अच्छी तरीके से कि वर्टिब्रल कॉलम के कितने पार्ट्स होते हैं। अब यहाँ पर लिखे हैं कुछ वर्टिब्रल कॉलम के फंक्शंस, आइए उनको भी जान लेते हैं कौन कौन से फंक्शंस वर्टिब्रल कॉलम के होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट विद नंबर 1, इट provides protection to the spinal cord. Now, what is the spinal cord? आपको बता दूं कि जो हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन से निकलती है स्पाइनल कॉर्ड, एक रॉड जैसी स्ट्रक्चर जिसको हम लोग स्पाइनल कॉर्ड या तंत्रिका रज्जु के नाम से जानते हैं, और वो स्पाइनल कॉर्ड हमारी इन्हीं वर्टिब्रीज के अंदर से होकर गुजरती है। आपको बता दूं कि जो वर्टिब्रीज होती हैं अंदर से खोखली हॉलो होती हैं, तो इनके अंदर से ही गुजरती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। डिटेल में हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। तो जो स्पाइनल कॉर्ड है वो कहाँ है, वर्टिब्रल कॉलम के ही अंदर पाई जा रही है। तो वर्टिब्रल कॉलम का काम क्या है, प्रोटेक्शन देती है किसको, स्पाइनल कॉर्ड को। तो ये पहला फंक्शन हो गया, डिटेल में हम इसे नर्वस सिस्टम के चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज इट सपोर्ट्स द हेड। आपको पता है कि जो हमारा हेड है, स्कल है, वो किस पर रुका हुआ है, हमारी वर्टिब्रल कॉलम पर रुका हुआ है, और वर्टिब्रल कॉलम के साथ जो इसका अटैचमेंट है उसी की वजह से हमारा हेड दोनों तरफ इस तरह से घूम पाता है। तो हमारे हेड को सपोर्ट करने का काम भी किसका है, वर्टिब्रल कॉलम का, क्योंकि यहाँ पर हमारा हेड होगा फर्स्ट वाली एटलस से जुड़ा हुआ। नेक्स्ट है इट अलाउज फ्लेक्शन ऑफ बैक एंड बॉडी। फ्लेक्शन का मतलब मुड़ना, हमारी बॉडी को मोड़ने में हेल्प करेगा। हम किधर भी मुड़ना चाहें, मूवमेंट चाहे इधर करना चाहें चाहे इधर, तो ये मूवमेंट में हमें कौन हेल्प देगा, ये हेल्प देगी हमारी वर्टिब्रल कॉलम। इसके अलावा अगर हम बेंट होना चाहते हैं, झुकना चाहते हैं, कई बार आप देखते हो नीचे से हमें कुछ उठाना होता है तो हमारी बॉडी झुक जाती है, तो झुकने में कौन हेल्प कर रहा है, फ्लेक्शन में कौन हेल्प कर रहा है, यहाँ पर हमारी वर्टिब्रल को। तो इट अलाउज फ्लेक्शन, ये फ्लेक्शन यानी मुड़ना अलाउ करती है, ऑफ द बैक हमारी पीठ का एंड बॉडी हमारी शरीर का भी। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज इट ऑल्सो सर्व एज अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर रिप्स। हमारी जो रिप्स होती हैं जो यहाँ से गई हैं, आप देख पा रहे हो ये सारी पीछे जाकर किससे जुड़ी हुई हैं, वर्टिब्रल कॉलम से ही जुड़ी हैं। तो ये हमारी बॉडी को, हमारी रिप्स को अटैचमेंट के लिए जगह देता है वर्टिब्रल कॉलम। तो ये कुछ फंक्शंस थे वर्टिब्रल कॉलम के। तो ये सारी बातें वर्टिब्रल कॉलम के बारे में, आई होप आपको कोई डाउट कहीं पर नहीं होगा, सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपको कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। एक और बात मुझे आपको बतानी है, अक्सर स्टूडेंट्स मुझसे बोलते हैं कि सर थोड़ा सा आप साइड में हो जाया करिए ताकि मैं स्क्रीनशॉट ले सकूं। तो आपको मैं बता दूं बच्चों कि मैं अपने डायग्राम को जो भी मैं बोर्ड पर बनाता हूं उस समय कम्युनिटी के ऑप्शन में डाल देता हूं। जिन लोगों को कम्युनिटी का ऑप्शन नहीं पता है वो मेरे चैनल पर जाएंगे, तो चैनल पर आप देखते हो ऊपर ऑप्शंस होते हैं प्रोफाइल का, वीडियोज़ का और कम्युनिटी का। कम्युनिटी पर जैसे ही आप टैप करोगे तो वहाँ पर आपको कुछ मेरे जो भी अपलोड्स पोस्ट होती हैं वो सारी मिल जाएंगी। तो उन पोस्ट में ये इमेज आपको मिल जाएगी वहाँ पर, और वहाँ से आप नोट्स बना सकते हो। वहाँ पर मैंने इसके हाई पिक्सल्स में इसकी इमेज अपलोड कर देता हूँ मैं, ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है ना, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आगे मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, स्केलेटल सिस्टम के किसी और बोन के साथ में। यहाँ पर फिलहाल इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।